हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डील सेकर फिएट कन्वर्जन टूल के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें डील सेकर फिएट कन्वर्जन पूल फॉर मर्चेंट्स का यहाँ पर एक एग्जांपल है। तो देखिए, मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, दैट इज़ फिएट टू वन कन्वर्जन, मतलब वन टू फिएट कन्वर्जन। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और ये यहाँ पर आप यानी कि कैश आउट योर वन, अपने वन को आप कैश कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा डील को सेल करके ये चीज़ें कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, डील से कर फिएट कन्वर्जन पूल फॉर मर्चेंट। तो देखिए कैश क्या होगा कि जैसे हम 10 मर्चेंट का एक ग्रुप है और उन्होंने 1000 वन को यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट या डील सेल करके अर्न किया है, इतनी एक डील से इन्होंने इसको मिलाया है। तो इसमें ये पूल सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है कि किसको कितना यहाँ पर कैश आउट मिलेगा। जैसे मान लो कि इस पूल में एक की हिस्सेदारी 10% की है, एक की हिस्सेदारी यहाँ पर 100% की हो सकती है, मतलब यहाँ पर 99 की भी हो सकती है, क्योंकि 100% तो एक की नहीं होगी, ये 100% सभी का मिलाकर होगा। एक का 20% का हो सकता है, एक का 5% का हो सकता है, एक का 2% का भी हो सकता है एक बड़े पूल में परसेंटेज। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हैं, एक पूल यहाँ पर क्रिएट होगा। और वो क्या है वो तो एक्चुअल में देखिए जब वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 17 से 19 फरवरी वाला जो इवेंट है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, आज है 18 फेब। तो यहाँ पर मेरे पास वीडियो भी आया था, रिक्वेस्ट भी आया कि कुछ जो लेटेस्ट इवेंट चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ अपडेट दो। तो तब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, हमने पहले एक बताया था कि डील से कर फिएट का कन्वर्जन होगा नए प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वो किस तरीके से होगा वो हम इवेंट में लॉन्च होने के बाद ही बात करेंगे। तो देखिए फाइनली यहाँ पर इसको ब्लू टिक मिल गया है कि आप अपने कैश आउट योर बन। तो जितने भी मर्चेंट हैं जिन्होंने प्रोडक्ट सेल किए हैं या फिर कर रहे हैं या आने वाले टाइम में वो प्रोडक्ट बन कॉइन पेमेंट के साथ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने बन को कैश कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली है और वेरीफाई हुई है 17 से 19 फरवरी वाले नेक्स्ट लेवल के इवेंट में। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। और इसके साथ साथ और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर हम देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आप अपने मर्चेंट को, जैसे जो आपका मर्चेंट है उसको आप गूगल मैप की तरफ से, जैसे गूगल मैप पर चीज़ें सर्च कर सकते हैं करते हैं, ठीक वैसे ही आप अपने मर्चेंट को मैप के जरिए यहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर एक 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 मर्चेंट है जो कि कार सेल कर रहा है, तो वो कहाँ पर किस लोकेशन पर अवेलेबल है, ये आप अपने डील सेकर पर मैप वाले फीचर से उसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक शख्स अगर यहाँ पर FMGC वाले प्रोडक्ट बेच रहा है, या फिर ये चीज़ें यहाँ पर अगर रिलेट नहीं कर पा रही तो मैं आपको बताऊँ, एक मर्चेंट है जो होटल स्टे दे रहा है, आप होटल में स्टे कर सकते हैं, तो वो आप मैप पर सर्च कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है इनके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर होटल अवेलेबल होगा, जिस तरीके से आप गूगल पे पर करते हैं। तो ये भी एक नया अपडेट है इस इवेंट की तरफ से। और नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये देखिए एक अफिलिएट प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। अफिलिएट प्रोग्राम होता है जैसे कि ये प्रोडक्ट है, अगर हम बात करें यहाँ पर 100 यूरो का मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, और आप अगर इसको सेल कराते हैं किसी को, किसी शख्स ने यहाँ पर 100 यूरो देकर वो एक प्रोडक्ट से जो है परचेज़ किया, तो आपको यहाँ पर कुछ परसेंटेज, एक्स परसेंटेज में यहाँ पर मान रहा हूँ कि कुछ परसेंटेज जो है इसकी कॉस्ट का पेमेंट इसको मिलता है, जिसको आप एडवर्टाइजिंग फीस भी कहते हैं। तो ये अफिलिएट कमीशन भी यहाँ पर अभी शुरू किया गया है डील सेकर पर। तो देखिए ये डील सेकर पर किस तरीके से काम करेगा, हालांकि जब चीज़ें लॉन्च हो जाती हैं हम एक्सेस कर पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी हम ये भी बन इकोसिस्टम का ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें से चीज़ों को देख रहे हैं, तो जब चीज़ें लॉन्च हो जाएंगी तब हम और डिटेल में समझेंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना ही समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपकी एक डील है और उस डील को आप अगर किसी को प्रमोट करते हैं तो उस डील की जो कॉस्ट रहेगी उसका कुछ परसेंटेज आपको यहाँ पर मिलेगा। या फिर अगर आप हम प्रोडक्ट की बात करें तो आप किसी को ट्रेडर पैकेज सेल करते हैं या होटल पॉइंट वाला कुछ सिस्टम यहाँ पर है, तो उसमें आपको अफिलिएट कमीशन
मिलेगा, जैसे कि अदर मर्चेंट या फिर वेंडर या फिर जो भी बिजनेस में चीज़ें चलती हैं जिस तरीके से होता है। जब ये ऑफिशियली लॉन्च जाएगा तब उसको देखेंगे। हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है और इसको लॉन्च होने में भी हो सकता है कि ये कल या परसों तक लॉन्च हो जाए, तो और भी जल्दी हम चीज़ें देख पाएंगे। तो ये अपडेट एक है। और भी अगर हम देखें, यहाँ पर मैं बैक में करता हूँ इसको, तो हमें नेक्स्ट अपडेट भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप वैलेट में किस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये चार्ट चल रहा है। तो यहाँ पर हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की। और आपको यहाँ पर बर्न पेमेंट के साथ मिलने वाला है सिग्नल, और सिग्नल काफ़ी इम्पोर्टेंट है चीज़ों को बाय और सेल करने के लिए। अगर आपको ये एक तरीके का इंडिकेटर ही है, और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसा जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। हालांकि कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर 90% की एक्यूरेसी होती है। और 90% की एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप ये मानकर चलिए आप यहाँ पर 1:2 का रिवॉर्ड रेशो अगर रख रहे हैं। तो सपोज करिए कि आपने 10 ट्रेड ली, 10 ट्रेड में से 9 आपकी सक्सेसफुल होंगी और 1 ट्रेड आपकी यहाँ पर फेल होगी। तो अब अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप 10 के अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपको एक लॉस में यहाँ पर आपको जो है 9,000 रुपये रह जाएंगे। लेकिन जब आपके 9 ये प्रॉफिट वाले से सेशन होंगे, तो आप यहाँ पर 9:2, तो ये आपका हो गया 18K का प्रॉफिट होगा। तो आपका जो जो 10,000 का कैपिटल था जो कि आपने स्टार्टिंग में ये बनाया था, और बाद में 1K का लॉस से ये 9K रह गया था, लेकिन यहाँ पर प्लस के आपका 18K हो गया। तो इतना आप प्रॉफिट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये लगभग 27K बैठता है। तो इतना आप यहाँ पर ट्रेड इंडिकेटर की मदद से कर सकते हैं। मैं ये केवल एक एग्जाम्पल के लिए हमने ये चीज़ें समझी हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि चीज़ें इस तरीके से ही हों, लेकिन ये एक एग्जाम्पल लिया है। अगर हम देखिए, अगर 60% भी इसकी एक्यूरेसी मानते हैं, अगर जो आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर मिल रहा है उस पर आप 60% एक्यूरेसी मानिए, क्योंकि इतना तो चलता है, 60% तो रहेगा। तो 60% में से आपकी 4 ट्रेड में होगा लॉस और 6 ट्रेड में आपका होगा यहाँ पर बेनिफिट। मैं आपको 50-50 वाला भी दिखाऊंगा कि अगर आपका 50% भी इंडिकेटर काम करता है तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, और कितने प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पर आप अपने जो आपका 10,000 जो आपका 10K है, उसको आप में से आप यहाँ पर फोर, ये हम 1:2 ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 4K का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल बचेगा आपका 6K, लेकिन जब आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट होगा, ये जो आपका 6 टाइम प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर आपको 12K का प्रॉफिट होगा, और 12K आपके 6K में ये ऐड होकर आपका 18K बनेगा। तो आप यहाँ पर भी इस एक इंडिकेटर की मदद से अपने 10K को 18K में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसका 50-50 भी करें, जहाँ पर हम रिवॉर्ड इज टू रिस्क 1:2 रख रहे हैं, तो आपको सपोज करिए आपने 10 ट्रेड ली जिसमें से आपकी 5 में हुआ लॉस और 5 में हुआ प्रॉफिट। अब इस लॉस में आपने 5 5K जो है वो माइनस के 5K हो गया, और यहाँ पर आपके जो 5 प्लस हुए इसमें आपका प्लस में हो गया 2:5, यानी कि 10K। तो सपोज करिए कि आपने जो 10,000 से उससे ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, जब आपको 5 बार लॉस हुआ तो आपका कैपिटल केवल 5,000 बचा, लेकिन आपको जो 5 बार प्रॉफिट हुआ उसमें आपका 10,000 कैपिटल ऐड हो गया। तो यहाँ पर 10,000 ऐड करके हम इसको देख सकते हैं कि आप 50-50% में भी 10,000 से 15,000 रुपये बना रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो चलिए, और चीज़ें हम बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।